Hello everyone, this is Gayatri Chatterjee and welcome back to my channel. So today, आज हम सिर्फ बातें करेंगे, कोई गाना नहीं, बस सिर्फ बातें. You know why? क्योंकि पहली बात है कि मैं भी बोर हो जाती हूँ सिर्फ गाते गाते, क्योंकि कभी कभार ना गाने का लिस्ट खत्म हो जाता है. मतलब मैं लैपटॉप के सामने बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, हो गया, अब नेक्स्ट सॉन्ग क्या होगा, इसके बाद क्या है, पर मतलब आइडियाज नहीं आते. और मोस्टली क्या होता है, मूवीज में तो डुएट सॉन्ग्स होते हैं, सोलो सॉन्ग्स तो आते ही नहीं है, आते हैं तो कम आते हैं. और लड़के गाते हैं, लड़कियां गाती हैं तो इतनी मतलब पतली सी आवाज में गाती है ना, मुझे लगता है कि कोई मक्खी आम पे शायद गुनगुना रही है. क्या हो रहा है यार, ये गाना है या मक्खी का मतलब क्या है, तो अच्छा नहीं लगता सारा गाना. तो आज सिर्फ बातें करते हैं, है ना. तो ये गायत्री स्पीक्स का और एक एपिसोड है एंड आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि आई डू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर विच आई मस्ट शेयर विद द वर्ल्ड. सो आज किस बारे में बातें करेंगे, तो रिसेंटली जो हुआ है कि मतलब आई स्पेशली गॉट दिस कमेंट्स फ्रॉम पीपल जिनको मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, मतलब दोस्त कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरे दोस्त के लिस्ट में यू नो लाइक मिस्टर बी जब पर्स निकालते थे, एक बटरफ्लाई या फ्लाई जैसा कुछ निकल जाता था. मेरी दोस्त के लिस्ट में हालत करीब करीब वैसा ही है. मतलब लोग कहते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, दो दिन बाद दूसरे और एक से सुनने को मिलता है कि दैट पर्सन वॉज बैड विचिंग अबाउट मी. ऑलराइट, सो आई हैव टू कंसिडर ट्वाइस बिफोर कॉलिंग समवन माय फ्रेंड. सो दोस्त नहीं कहूँगी या फिर कहूँगी नहीं पता, वो इसके बारे में वी विल हैव अनदर एपिसोड बाद में. तो अभी जो हुआ कि ये जो लोग हैं, ये लोग मुझे बोल रहे थे कि गायत्री बहुत सारे सॉन्ग्स हो गए, वी आर गेटिंग बोर्ड, यू नो कुछ नया करो, डू समथिंग न्यू. अरे बाप रे, अब मेरी बात है ये कि अगर बोलने की आदत है कि डू समथिंग न्यू, तो सजेस्ट भी तो किया करो यार. मतलब सिर्फ बोल के चले गए, ये कैसी बात हुई, राइट? मतलब बोल दिया, मतलब सजेशंस भी तो देने चाहिए, है ना. तो ठीक है, आज से हम ये बात समझ जाते हैं कि जब हम किसी को कुछ कहेंगे, या फिर जैसे कि दिस इज समवट लाइक ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक पिकिंग फॉल्ट्स, लोग कहेंगे नहीं कि दिस इज आई एम पिकिंग अ फॉल्ट, यू नो आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग, ऐसा लोग कहेंगे नहीं. पर ये सच है कि लोग दे ट्राई एंड पॉइंट देयर फिंगर्स एट यू, पॉइंटिंग फिंगर्स. ये कहावत थी, हम जब छोटे थे तब हम लोग को टीचर्स कहती थी कि बिफोर यू पॉइंट योर फिंगर नोटिस दैट थ्री अदर्स आर पॉइंटिंग एट यू. दिस वन मुझे नहीं पता, बट वेन यू आर पॉइंटिंग योर फिंगर टू समवन लाइक दिस, ये एक शायद किसी को पॉइंट कर रहा है, पर ये बाकी तीन आप पे पॉइंट कर रही है. सो बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट समवन, रिमेंबर दीज थ्री आर पॉइंटिंग एट यू. सो हम जब किसी से बात करेंगे, किसी की ऐसे मुझे नहीं पता हिंदी बंगाली इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई थिंक पिकिंग फॉल्स इज द बेस्ट वे ऑफ सेइंग इट. जब किसी को ऐसे सजेशंस के नाम पे किसी का फॉल्ट निकालेंगे ना, तो उसे सुझाव भी दे दें, सजेशन भी दे दें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत कुछ हो गया, पर करना क्या है. बच्चों को जैसे बोला जाता है कि बेटा या बेटी ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, करते क्या है इसका लिस्ट भी कभी कभार बना लीजिए, ठीक है. तो नाउ माय पॉइंट इज दैट क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया. टू पेरेंट्स, टू माय फेलो पीयर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, everyone who is watching this, brothers, sisters, uncle, auntie, dadi, nani, dada, nana,
whoever is watching this video, आपको अगर आपको ये बात कभी मतलब दिमाग में नहीं आई, हो सकता है, it's not your fault. मैं कभी किसी को दोष देना पसंद नहीं करती, ये मेरी एक I don't know quality है. I don't like मतलब pointing fingers at people. See, I don't like pointing fingers at people. But I want to tell this story कि अगर ये बात कभी दिमाग में आई ना हो, ठीक है, no problem, better late than never, जैसे बोलते हैं, तो ऐसे ही आज से ये हम करते हैं, ठीक है? किसी को अगर कुछ सिखाना है, क्या नहीं करते हैं बोलने से बेहतर होगा, क्या करते हैं वो बोलते हैं, क्योंकि क्या नहीं करते हैं का लिस्ट सुनते सुनते सिर्फ नो 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 नहीं नहीं ना 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 सिर्फ ना सुनते सुनते बच्चे बातें नहीं सुनना बंद करो. पता है, इट्स लाइक वी आर ट्रेनिंग डॉग्स. पता है, हम लोग को बोला जाता है, आई हैव टू डॉग्स नाउ, कॉन्ग्रेचुलेट मी, कम ऑन, दिस इज अ गुड थिंग, यू नो, एडिंग एनिमल. बाद में बात करेंगे डॉग्स के बारे में. सो द थिंग इज दैट डॉग्स को हम जब ट्रेन करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ आर लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ आर हम लोग जो बातें करते हैं वो समझ में नहीं आते उन लोग को. तो हम लोग को बोला जाता है कि लिमिटेड वर्ड्स यूज करो ताकि द डॉग्स स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग दोज वर्ड्स. उन शब्दों को वो सुन के समझने लगे कि ऑलराइट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. वो मतलब जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, काइंड ऑफ लाइक दैट, बट ह्यूमंस एक डिफरेंट मेथड है ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस. बट डॉग्स कांट स्पीक लाइक अस, दे बार्क. सो एक चीज है कि जब किसी डॉग को सिखाना है कि ये नहीं करना, तो डोंट यूज न्यूमरस काइंड ऑफ वेज ऑफ सेइंग नहीं मत करो. जैसे कि to tell someone ki don't do this in Hindi, or I'm giving an example in Hindi, it could be in English, could be in Bengali, Assamese, German, whatever, but Hindi mein agar hum example de, bahut sare tarike hain bolne ke liye. Keh sakte hain, tarika number 1, ye mat karna. Tarika 2, ye nahi karna chahiye. Tarika 3, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करते. और भी है तो कमेंट्स में आप खुद ही लिख देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा. तो इतने सारे वेज ऑफ सेइंग मत करो. ओ 3 to 4, तो मत करो. पर डॉग्स को सिखाते वक्त हम लोग को बोला जाता है कि यूज स्पेसिफिक वर्ड्स. जैसे कि मैं जो करती हूँ, मैं सिर्फ नो यूज करती हूँ. नो, no, don't do this वगैरह वगैरह नहीं बोलती, सिर्फ no बोलती हूँ, ताकि उसको समझ में आए जब भी मैं no बोलूँ वो रुक जाए, ना करे. पर you know major difference between dogs and humans, dogs corrupt नहीं होते, humans corrupted होते. बहुत सारी corruption है दिमाग में, वही दिमाग में, दिल में, सब जगह corruption है. इतना करप्शन है कि कैंसर सेल्स भाग जाएंगे. मतलब जहां पे भी कैंसर होगा ना, कैंसर को डर लगेगा अब ह्यूमन में. सच्ची में मुझे तो वही लगता है. मतलब इतना करप्शन कहां से लाते हो. मैं नहीं बोल रही कि आप करप्टेड हो, पर दिस इज अ फैक्ट, डोंट यू अग्री. सो हम जो बात कर रहे थे कि अब ना मत बोलो, क्या करना है, ठीक है. सिंस ह्यूमंस आर अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन डॉग्स, डॉग्स बहुत सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, लव, सिंपल लैंग्वेज ऑफ लव एंड अफेक्शन. सॉरी, मेरा दिल यहाँ पे है पर आपके लिए मिरर इमेज हो जाएगा. सो डॉग्स अंडरस्टैंड सिंपल लैंग्वेज ऑफ लव, बट ह्यूमंस को लव समझ में नहीं आएगी, ये बहुत प्रॉब्लम्स होती है. उसके बारे में दूसरे वीडियोज होंगे, बहुत बोल रही हूँ मैं ये. तो जो चीज़ है कि अब क्या करना है ये बोलना ज़रूरी है. अ मेजर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इन माय लाइफ वाज दैट मैं मम्मी के साथ रहती थी, ठीक है. टॉर्चर वगैरह जो हुआ है वो दूसरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या हुआ. पर
आई वॉज नॉट गिविंग द फ्रीडम टू डू एनी थिंग. क्या करना है आई हैड टू फिगर इट आउट ऑन माई ओन. जैसे कि मम्मी तो बहुत सारी गलतियाँ करती थी. शी इज करप्टेड एज एनी थिंग. कंपेयरिंग हर विथ हेल और शिट और क्रैप और फिश जो सब चीज़ें नॉर्मली बोलते हैं लोग व्हाट द हेल व्हाट द शिट व्हाट द क्रैप ऐसे बोलते हैं. तो कंपेयरिंग हर विथ दैट इज एन इंसल्ट टू दैट वर्ड ऑल्सो आई थिंक. सो शी केप्ट सेइंग कि एटा करो ना. मैं बंगाली फैमिली से हूँ. एटा करबे ना एटा करबे ना केन करेछिस एटा केन करेछिस. It was always this way, yes. Indeed, it was always this way. And in most families, according to the baatein jo main sunti hu, the dost, peers, colleagues, in sabke family history jaankar, sab baatein sunke, gapshap karte karte jo jankari aaj tak hasil hui hai, usse jo pata chalta hai ki this is common in almost every family. This particular thing, I'm separating mine for now because my case is a little extra complicated. But this thing is common in almost every home, house, home. It's common. लोग ना कहते हैं ज़्यादा हाँ कब. अब अगर बच्चे सिर्फ ना सुनते रहेंगे बच्चे माँ बाप से पूछेंगे क्यों परमिशन लेंगे क्यों है ना. क्योंकि माँ बाप को तो हाँ बोलना आता नहीं है कि बेटा ठीक है बेटी ठीक है ये करो. अच्छा ये करना चाहिए हाँ सिखाओ कभी कभार. पता है हम लोग की जो पुराने ज़माने की ये थी कि नाना नानी दादा दादी ये लोग कहानियाँ सुनाते थे मॉरल वैल्यू स्टोरीज जैसे. हम लोग के स्कूल में अगर है तो है वरना वो भी स्कूल का बुक बस ऐसे खरीदना पड़ता है उसी लिए लोग खरीदते हैं. पढ़ते कम है जो पढ़ते हैं भाई बच्चा लोग. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्टडी दोज बुक्स क्योंकि वो बुक्स पढ़ना अच्छी बात है. कोई टाइम वेस्ट नहीं होती. टेक माई एडवाइस आई यूज टू रीड दोज बुक्स. क्लास 8 तक हम लोग को मॉरल साइंस दिया गया था एंड मॉरल वैल्यूज का बुक्स मिलता था क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी तो क्लास 8 तक थी. एंड या वी यूज्ड टू गेट दो बुक्स एंड मैं पढ़ती थी एंड उसको पढ़ने के वजह से ही मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पहुँच पाई. एंड बिलीव मी आई नो दैट आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम ट्रू. आई नो दैट आई कैन फेस द कैमरा आई कैन फेस एनी वन विदाउट ब्लिंकिंग. अभी ब्लिंक करूँगी क्योंकि मैं लेंस पहन के बैठी हूँ. ठीक है डोंट जज मी. एंड तब ये सिखाया क्यों जाता था पता है क्योंकि इन सब कहानियों को ऐसे बनाया गया था. एसॉप्स फेबल्स विक्रम बेताल ये सब ऐसे बनाए गए थे कि जो भी ये कहानियाँ सुनेगा उसमें ये वैल्यूज एम्बाई होते जाए यू नो. पर ये कहानियाँ तो बोलनी बंद हो गई हैं. दादा दादी नाना नानी आजकल सीरियल देखने में व्यस्त हो गए हैं एंड पापा मम्मी तो दोनों काम करते हैं किसी को तो टाइम नहीं मिलता. और बच्चा पार्टी उनको तो ब्रांड्स कंपेयर करने हैं पढ़ाई कम करनी है. पढ़ाई छोड़ो दोस्तों से बात छोड़ो आजकल वो लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं. हाँ जी हाँ बस में जाती थी स्कूल तो स्कूल बस वहाँ पे नर्सरी के बच्चे ब्रांड्स के नाम कंपेयर कर रहे थे. मैं सोच रही थी कि नर्सरी में मैं अपना नाम बोलना नहीं पाती थी और ये लोग ब्रांड्स का नेम कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं तेरी मम्मी के पास जो पर्स है वो ज़्यादा कॉस्टली है मेरी मम्मी से ऐसे. वाओ लेवल कहाँ पहुँच गए है. अब अगर बच्चे इस लेवल से स्टार्ट करेंगे कहाँ पहुँचेंगे आप सोचो. आप सिर्फ सोचते जाओ. मुझे तो सोचना नहीं है मैं सोचूंगी तो भाई मैं तो नमस्कार करके अभी चली जाऊंगी वीडियो से. तो बच्चों को अकेले छोड़ देने से बेहतर होगा अगर
आप खुद उन लोगों को कुछ सिखाएं। बच्चे जब गलतियां करें उनको दोष ना देकर, उनके स्कूल को दोष ना देकर, उनके क्लासमेट्स को दोष ना देकर, शायद दोष होंगे, आई डोंट नो, इन मैनी केसेस द प्रॉब्लम इज विद द स्कूल एंड द पीयर्स, पर आप भी कुछ कर सकते हैं। ना बोलना तो आसान है, पर अगर आप खुद भी वो प्रैक्टिसेस फॉलो करिए जो आप बच्चों को सिखाएंगे, एंड बच्चों को एक्चुअली प्रैक्टिस करना सिखाएंगे वो चीज़, वो अच्छे वैल्यूज, तो वो लोग खुद कंपेयर करेंगे एंड दे विल बैक आउट फ्रॉम बैड थिंग्स, दे विल बैक आउट फ्रॉम रॉन्ग डीड्स। जैसे कि एक कहानी है जो वंस अगेन जब बच्ची थी तब पढ़ी थी मॉरल वैल्यू बुक में, कि देयर वाज द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु नेवर बैक्ड आउट फ्रॉम एनीथिंग, इट वाज अ डेयर डेविल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, सब कुछ जो दोस्त बोल रहे हैं सब कुछ करेंगी। एंड तो एक दिन ये डेयर था कि एक दुकान में जाके चोरी करनी है, या ही वाज स्टील समथिंग, एंड he did go inside, he did take something, he was about to leave, but he stopped. No way. दिमाग में लगा उसका कि क्या कर रहा हूं, नहीं, just because I want to prove something to petty people, I'm going to steal something, I'm going to steal someone's earning, I'm going to steal someone else's meal. वो प्रोडक्ट बेच के किसी का दिन का खाना होगा, उसको वो लगा ही बैक्ड आउट, यू नो दैट्स अ गुड थिंग, एंड ये हो पाया क्योंकि उसको घर में कुछ अच्छी सीख मिली। तो ना कहने से ज्यादा अच्छा होगा अगर आप बच्चों को क्या करना है सिखाएं। नमस्कार।